नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको निकॉन D5300 या निकॉन के D5200 या 5600 जो कैमरा आता है, 5100 आता है, इसमें सेम सेटिंग रहती है। तो इसमें जो आपको इंटरवल टाइम सेटिंग है, टाइम लैप्स फोटोग्राफी कैसे कर सकते हैं, इंटरवल टाइम फोटोग्राफी कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि आप कैमरे का बटन एक बार प्रेस कर देंगे कुछ सर्टेन टाइम के लिए, और उसमें कुछ अपने जो है शॉट्स से सेलेक्ट कर देंगे कि हमको इतने नंबर फोटो लेने हैं इस शॉट के, तो आपका कैमरा जो है ऑटोमेटिकली उतने इंटरवल पे जो है फोटोग्राफ अपने आप कंटिन्यूस लेता जाएगा। वो सेटिंग कैसे करनी, तो मैं आपको इस कैमरे में ये वीडियो में जो है ये सेटिंग आज अपने निकॉन D5300 में करके आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों छोटा सा वीडियो है तो पूरा ध्यान से देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो दूसरे लोगों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, छोटा सा वीडियो जल्दी शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमको जाना, सबसे पहले मेन्यू का बटन प्रेस करेंगे, ये मेन्यू का बटन प्रेस करेंगे, प्लेबैक मेन्यू है। यहाँ से जो हम इसको जाएंगे शूटिंग मेन्यू में। तो दोस्तों ये जो हमारा इसका शूटिंग मेन्यू है, ये नीचे शूटिंग मेन्यू आता है, मूवी सेटिंग आता है, मूवी सेट इधर हमको सेलेक्ट करना है। इसके ऊपर आप देख रहे होंगे आ रहा है इंटरवल टाइम शूटिंग, यहाँ पे दोस्तों इस समय ये आ रहा है ऑफ में। इसको अगर मैं सेलेक्ट करना भी चाहूँगा तो भी ये मेरा सेलेक्ट नहीं होगा, एरर बता रहा है। तो इसमें मेरे को क्या करना है कि इस समय मेरा कैमरे का लेंस जो है पूरा फोकस ऑन है, तो इसको यहाँ पे अगर हम इंटरवल टाइम सेटिंग करना है, शूटिंग करना है, तो हमको इसको जो है व्यू फाइंडर जो यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम व्यू फाइंडर बोलते हैं, यहाँ से हमको इसका फोटोग्राफी करना पड़ेगा। तो इसका जो हमको लेंस का जूम जो हम इसको कम कर देंगे जैसे ही, तो हमारा ये सेलेक्ट हो जाता है। अगर किसी के कैमरे में ये दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे जो आप समझ लीजिए ये प्रॉब्लम है, आप अपने कैमरे का लेंस का जूम कम कर दीजिएगा, आप इसको लाइव व्यू मत कीजिएगा, लाइव व्यू छोड़ दीजिएगा, व्यू फाइंडर में आप अपना जो एरिया जो आपको सेलेक्ट करना है वहाँ पे सेलेक्ट करके कैमरे को सेट करके छोड़ दीजिएगा, और अपना सेटिंग कर दीजिएगा, आपका कैमरा जो है फोटो कंटिन्यूस करता जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों अभी मैं आपको इसी सेटिंग करके दिखाऊंगा, इस वीडियो में कैसे करनी है वो पूरा बता दूंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप दोस्तों देख रहे हैं आपको इंटरवल टाइम शूटिंग जो है यहाँ पे आपको इस समय ऑफ दिखा रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे जो सेलेक्टर डायल है मेरा, इसको मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, एक बार इसको करूँगा तो यहाँ पे इसका ये आपका इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा, चूज स्टार्ट टाइम, नाउ स्टार्ट टाइम। तो इसमें आपको एक बार फिर से आगे कर देना है, और यहाँ पे आप देखेंगे इसका टाइम इंटरवल, यहाँ पे आपका सबसे पहला कॉलम ये घंटे का है, दूसरा कॉलम मिनट का है जहाँ पे एक मिनट है, और तीसरा कॉलम आपका सेकंड पे है। तो मैं इसमें सबसे पहले आपको सेकंड पे लेके चलता हूँ, इसको मैं यहाँ पे जीरो सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जो तीसरा कॉलम है इसको मैं यहाँ पे जो है सपोज कीजिए मैं आपको दो सेकंड तीन सेकंड कर देता हूँ, 3 सेकंड मैंने सेलेक्ट कर दिया। दूसरों नेक्स्ट कॉलम इसका आता है नंबर ऑफ टाइम्स, आपको कितने बार फोटोग्राफी लेने हैं, आप कितने शॉट लेना चाहते हैं उस चीज़ के, जो पर्टिकुलर या तो चीज़ मूव कर रही है सर्टन टाइम पे मूव करती है, अगर हम उसके जो है अलग अलग पोज में फोटोग्राफ लेना चाहते हैं, तो अलग अलग मोशन के फोटोग्राफ उसके कलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसका यूज़ हम लोग करते हैं टाइम लैप्स सेटिंग या इंटरवल टाइम शूटिंग का। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ शॉट जो है एक है, इसको मैं एक की जगह पे 10 शॉट कर देता हूँ, तो ये मेरे जो है आप देखेंगे 10 शॉट लेके आपको दिखाएगा, ये 9 शॉट है। अगर मेरे को 10 करना है तो मैं यहाँ पे इसको 0 कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ये 10 कर देता हूँ, ये ओके हो गया मेरा। अभी दोस्तों मेरे को जस्ट यहाँ पे ऑन है, मेरे को इसको ऑन पे सेलेक्ट करके छोड़ देना है, और ये जो है मेरा फोटोग्राफी करके आपको दिखाएगा वहां पे। तो दोस्तों ऐसा कि आप देख रहे हैं ऑन है, अब मैं इसको यहाँ पे ओके कर दूंगा तो ये फोटोग्राफी करना चालू कर देगा, ये टाइमर मेरा एक्टिव हो गया है। अब ये हर इंटरवल पे आपको 10 फोटोग्राफ कंटिन्यूस लेके दिखाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, अब ये 9वां और ये 10वां। दोस्तों इतने मैंने फोटोग्राफी में सेलेक्ट किए थे, इसने सारे फोटोग्राफ कलेक्ट कर लिए हैं। चलिए देखते हैं इसकी क्वालिटी किस तरीके से आई है। ये देखिए दोस्तों, ये इसने जो है 73 देख रहे हैं आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ 72, 71, 70, 69, 67, 63, ये देखिए इसने इतने फोटोग्राफ अपने कलेक्ट कर लिए। 10 फोटोग्राफ मैंने सेलेक्ट किए थे, 10 फोटोग्राफ इसने एक पर्टिकुलर इंटरवल पे जो है
फोटोग्राफ हमको करके दिखा दिए हैं। तो इस तरीके से आप भी जो है इसका यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, अगर आप कहीं आउटडोर शूटिंग कर रहे हैं या किसी आपको पर्टिकुलर मूवमेंट का फोटोग्राफी करना है कुछ इंटरवल के बाद, उसके अलग अलग पोज में अलग अलग पोजिशन में उसका फोटोग्राफी शूट करना है, तो आप वहाँ पर कर सकते हैं इसका यूज़। दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और आपके अगर यूजफुल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट कर दीजिएगा अच्छा है बुरा जैसा भी लगा, और आपको कुछ और भी लगता है कि आपके पास वो नॉलेज नहीं है तो आप मुझको कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा, उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो जरूर बना के लेके आऊँगा। दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।